न्यूयॉर्क से पलायन। इस पलायन में सबसे ऊपर रहा न्यूयॉर्क, जिसने लगभग 3,28,000 नागरिक खो दिए। ये लोग देश के कई दूसरे इलाकों में जाकर रहने लगे। शहर में दुनिया के दूसरे देशों से आए लोग भी और मरने वालों की संख्या से ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन न्यूयॉर्क की कुल आबादी घटकर 1.97 करोड़ हो गई। लॉस एंजेलिस भी छोड़ा। दूसरे नंबर पर रहा लॉस एंजेलिस, जिसने लगभग 1,76,000 नागरिक खो दिए। शहर की आबादी घटकर 1.29 करोड़ हो गई। शिकागो से हो गया पलायन। 91,000 से भी ज्यादा लोगों ने शिकागो शहर भी छोड़ दिया और कहीं और जा बसे। शहर की आबादी घटकर 95,00,000 रह गई। वॉशिंगटन छोड़ा। राष्ट्रीय राजधानी वॉशिंगटन के मेट्रो इलाके से करीब 29,000 लोग चले गए और कुल आबादी घटकर 63,00,000 रह गई। घटी फिलाडेल्फिया की भी आबादी। ग्रेटर फिलाडेल्फिया की आबादी में 13,000 लोग कम हो गए और आबादी घटकर 62,00,000 पर आ गई। 3/4 बराबर कमी लोगों के शहर छोड़ देने से आई। बाकी हिस्से का कारण मरने वालों की संख्या का जन्म लेने वाले बच्चों से कम रहना पाया गया। मायामी ने खोए नागरिक। ग्रेटर मायामी की आबादी 34,000 से भी ज्यादा से गिरकर 60,00,000 पर पहुंच गई। रहने के लिए मुफीद डलास। न्यूयॉर्क और लॉस एंजेलिस जैसे शहरों को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जा बसने वालों के बीच सबसे लोकप्रिय विकल्प रहा डलास। इस शहर की आबादी में 97,000 से भी ज्यादा का इजाफा हुआ और कुल आबादी बढ़कर 77,00,000 हो गई। इस बढ़ोतरी में नए बच्चों के जन्म का योगदान कम ही रहा, जबकि 2/3 योगदान दूसरे शहरों से आने वाले लोगों का रहा। फीनिक्स रहा लोकप्रिय। ग्रेटर फीनिक्स इलाका दूसरे सबसे लोकप्रिय विकल्प में से रहा। इसे 78,000 नए लोगों ने चुना, जिनमें लगभग सभी दूसरे शहरों को छोड़कर आने वाले लोग थे। शहर की आबादी बढ़कर 49,00,000 हो गई। ह्यूस्टन का फायदा। ह्यूस्टन देश में तीसरा सबसे लोकप्रिय विकल्प रहा और शहर को 69,000 नए नागरिक मिले। आधे से ज्यादा बढ़ोतरी का जिम्मेदार नए बच्चों का जन्म रहा, लेकिन शहर ने काफी अप्रवासन भी देखा। दूसरे स्थानों को छोड़कर ह्यूस्टन आने वालों में से 1/3 से ज्यादा लोग अमेरिका के बाहर से आए। शहर की आबादी बढ़कर 72,00,000 हो गई। एटलांटा को मिले नए नागरिक। एटलांटा में भी बढ़त देखने को मिली और 43,000 नए नागरिकों ने शहर की आबादी को बढ़ाकर 61,00,000 कर दिया। नए नागरिकों में 60% लोग दूसरे शहरों से आने वाले लोग थे।